दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो है हमारा दोस्तों 5 इंच सॉकेट का हम प्रोटेक्शन करेंगे, जिससे कि हम इसमें लगाते हैं चार्जर वगैरह, मोबाइल का चार्जर लगाते हैं तो मोबाइल का चार्जर हाई वोल्टेज की वजह से हमारा ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। तो इसी को प्रोटेक्शन करने के लिए मोबाइल का चार्जर हमारा जले ना, ज़्यादा दिन तक चले, तो इसी टॉपिक पे हमारा वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कैसे हम इसे जलने से बचा सकते हैं, ज़्यादा लाइफ इसकी होगी। तो दोस्तों, आ गए हम अपनी वीडियो पे और ये देख सकते हैं, ये हमारे पास स्विच बोर्ड जिसमें कि 3 स्विच और 1 सॉकेट लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें हम कनेक्शन करेंगे 5 इंच सॉकेट को, हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि हमारा मोबाइल का जो चार्जर है वो ज़्यादातर ख़राब होता रहता है। तो देखिए, ड्राइंग में भी बिल्कुल इसी तरह से हम बना लिए हैं। और ऊपर में जो दिखा रहे हैं, ये होल्डर का ड्राइंग है, इस तरह का होल्डर है ये, और नीचे में एक हरे कलर का बना हुआ है। तो ये हमारा कंडेंसर है जो कि 2.5 mm का है। तो ये देख सकते हैं, ये कंडेंसर है। तो इसी से हम प्रोटेक्ट करेंगे 5 इंच सॉकेट को। और 5 इंच सॉकेट ये स्पेशल मोबाइल चार्जर के लिए ही बना रहे हैं। और चाहे तो अगर आप इसमें, अगर कभी कभी इससे मान लीजिए हम लोग का फैन भी ख़राब हो जाता है, रेगुलेटर पॉइंट उसका, तो इस 5 इंच सॉकेट में लगाएंगे तो उसका भी स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन उसको लो हाई करने के लिए आपको 2-way स्विच का इस्तेमाल करना होगा। तो ये 1-way स्विच है, 2-way स्विच नहीं है। तो कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियो हम बना देंगे। तो चलिए, सबसे पहले ड्राइंग में कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए, स्विच का नीचे वाला जो पॉइंट है, वो टर्मिनल, तीनों टर्मिनल को आपस में मिला करके यहाँ से हम मेन फेस बाहर कर लेंगे। तो ये मेन फेस हमारा यहाँ से बाहर हो गया। और अब होल्डर का एक पॉइंट जो है, इसे हमें फेस देना होता है। तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम होल्डर को एक फेस देंगे। तो इसमें हमारा 2 लाइट पॉइंट है और एक जो है हमारा 5 इंच सॉकेट है। तो देखिए, इस तरह से हमें मिला लेना है। और इसके बाद में हम करेंगे कनेक्शन न्यूट्रल का। तो चलिए, अब हम कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंडेंसर का कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। तो कंडेंसर का कनेक्शन देखिए इस तरह से होगा। सबसे पहले हम यहाँ से कंडेंसर से एक वायर उठाएंगे और इसे लेके चलेंगे हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे। और दूसरा वायर जो है कंडेंसर का, एक हम वायर देंगे इसका 5 इंच सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे, यानी कि एक पॉइंट पे 5 इंच सॉकेट के एक पॉइंट पे हम देंगे इसे। और 5 इंच सॉकेट का एक पॉइंट बन जाता है ये हमारा न्यूट्रल का। तो होल्डर का न्यूट्रल, दोनों होल्डर का लेंगे न्यूट्रल इस तरह से, और इसे हम लेके आ जाएंगे 5 इंच सॉकेट के न्यूट्रल पे। तो ये न्यूट्रल हो गया। और होल्डर के पास से चाहे आप 5 इंच के पास से आप एक न्यूट्रल बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन न्यूट्रल हो गया। तो आप 5 इंच सॉकेट से भी निकाल सकते हैं। तो हम होल्डर से निकाल दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो आपको इसमें दिखा रहे हैं। तो 5 इंच सॉकेट से न्यूट्रल हम बाहर निकाल लेंगे और चाहे तो होल्डर से भी निकाल लेंगे। तो बोर्ड में कनेक्शन है तो 5 इंच सॉकेट से ही न्यूट्रल निकालेंगे। तो ड्राइंग में था तो होल्डर से निकाल लिए थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन बस समझ में आना चाहिए। तो चलिए, अब बोर्ड में हम कनेक्शन करते हैं। तो स्विच का नीचे वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट करा के यहाँ से हमें बाहर एक मेन फेस निकाल लेना है और इसे टाइट कर लेना है। तो दोस्तों, ये स्पेशल मोबाइल चार्जर के लिए ही है। और अगर फ़ैन के लिए यूज करना चाहते हैं तो ये फ़ैन में भी वर्क करेगा 5 इंच सॉकेट। तो यहाँ पे आपको 2-way स्विच का इस्तेमाल करना होगा। 2-way स्विच लगाएंगे जब, तब जा कर के ये लो हाई फैन भी करेगा, यानी कि फ़ैन भी हमारा लो हाई में चलेगा। अगर कोई फ़ैन हमारा स्टैंड फ़ैन है या कोई फ़ैन है जिसमें रेगुलेटर ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए भी ये वर्क करेगा। तो देखिए, होल्डर का एक फेस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे और दूसरे होल्डर का भी एक फेस
हमारा स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कनेक्शन करना है, इस वायर को हटा देते हैं, दिक्कत कर रहा है, तो अब ठीक है। तो यहाँ से इसे दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे हमें कनेक्ट करना है होल्डर का, और दोनों का एक एक न्यूट्रल ब्लैक कलर की वायर है जो हमारी बच गई है। और ये देखिए ये कंडेंसर है, तो कंडेंसर का एक वायर हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे, और जब हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो सप्लाई हमारी पहुँचेगी तो ये कंडेंसर से होके सप्लाई को लो करेगा, और इसके बाद हमारा 5-पिन सॉकेट पे ये सप्लाई पहुँचेगी। तो इससे क्या होगा कि अगर वोल्टेज अगर हाई भी आता है, हाई करंट होता है, तो ये कंडेंसर जो है ये अपने आप में रोक लेता है, ठीक है। और ये कंडेंसर चार्ज भी होता है दोस्तों, तो कभी हमारा चार्जर ख़राब होगा तो ये कंडेंसर चार्ज हो सकता है। तो अगर दोबारा इस बोर्ड में काम करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंडेंसर के वायर को हम शॉर्ट करा लेंगे, यानी कि बोर्ड की सप्लाई बंद करके, ठीक है। बोर्ड की सप्लाई सबसे पहले हम बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद में कंडेंसर के वायर को शॉर्ट कराएंगे, फिर हम इस बोर्ड में दोबारा कोई काम कर सकते हैं। तो दोस्तों बिजली से सावधान, और ये इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो जो भी वर्क करिए सावधानी से करिए। तो ये कंडेंसर चार्ज भी होता है। तो देखिए तीनों का न्यूट्रल हो गया, तीन न्यूट्रल हो गया, यानी कि दो होल्डर के न्यूट्रल और एक न्यूट्रल यहाँ से हमारा बाहर जाएगा मेन न्यूट्रल, और तीनों का आपस में कनेक्ट करके हम इसे 5-पिन सॉकेट के एक न्यूट्रल पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होना है दोस्तों। तो ये हमारा कनेक्शन जो है ये अब कंप्लीट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं ये कनेक्शन जो है ये हमारा अब कंप्लीट हो गया है बिल्कुल, और बिल्कुल ड्राइंग की तरह ही है। तो इसको थोड़ा सेटिंग करके भी हम दिखा देते हैं ताकि अच्छा से दिखे आपको। और यह जो ब्लैक है और रेड है, तो ये हमारा न्यूट्रल फेस और ये हमारा कंडेंसर का है, जो कि 2.5 mm का कंडेंसर यूज किए हैं इसमें। तो इस तरह से हमारा मोबाइल का जो चार्जर है इस सॉकेट में हमारा सेफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम मोबाइल अगर चार्ज में लगा के छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।